आज हम चर्चा करेंगे कि कायिक जनन की दूसरी विधि है, उसका नाम है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, कायिक जनन की दो विधियां थी। पहली थी प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरी है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, अब हम कृत्रिम कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन की वह विधि जिसमें मानवीय क्रियाओं द्वारा, मानवीय क्रियाओं द्वारा नवीन संतति का विकास किया जाता है, उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन आर्थिक महत्व के पादपों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन का अधिकतर उपयोग आर्थिक दृष्टि को सुधारने के लिए या आर्थिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन की तीन विधियां हैं जो हमारा कृत्रिम कायिक जनन है। इस कृत्रिम कायिक जनन की तीन विधियां हैं। इसमें हमारी पहली विधि है, उसका नाम है कर्तन, जिसे हम कटिंग भी कहते हैं। कर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो जड़ कर्तन और दूसरा होता है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन, कर्तन किसे कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि जिसमें पादप के कायिक भाग जैसे जड़ व तना को मूल पादप से अलग करके उसे जमीन में ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोपित कर दिया जाता है, तो परम संधियों से नवीन प्रणों का विकास होता है और जड़ों का भी विकास होता है। वह कृत्रिम कायिक जनन जिसमें पादप के स्तंभ व जड़ को काटकर जमीन में रोपित करने पर नवीन संतति का विकास किया जाता है, उसे हम कर्तन कहते हैं। कर्तन की हमारी दो विधियां हैं, पहली विधि है जड़ कर्तन और दूसरी विधि है स्तंभ कर्तन। जड़ कर्तन में पादप की जड़ को, जड़ कर्तन में पादप की जड़ को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में उनको जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोपित कर दिया जाता है, तो अनुकूलित वातावरण मिलने पर परम संधियों से नवीन प्रणों का विकास होता है व अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है। इस प्रकार का जनन हम नींबू में, नींबू व सेब में कर सकते हैं। जड़ कर्तन विधि का उपयोग हम नींबू एवं सेब के लिए कर सकते हैं। दूसरी हमारी विधि है स्तंभ कर्तन। कर्तन, स्तंभ कर्तन में पादप के स्तंभ को, तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोपित कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोपित कर देते हैं तो अनुकूलित वातावरण मिलने पर इनकी परम संधियों से
प्ररोह का विकास होता है तथा जड़ें भी विकसित होती हैं, जिससे नवीन पादप विकसित हो जाता है। इस प्रकार का जल गन्ना में व अंगूर में गुलाब में किया जाता है। जैसे कि अंगूर है, गन्ना है, गुलाब है, इसकी शाखा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जमीन में रोपित कर देंगे, तो लगभग 10 दिन पश्चात उसकी पर्व संधियों से नवीन प्ररोहों का विकास होगा और जमीन के अंदर स्थित पर्व संधियों से जड़ों का विकास होगा। अतः स्तंभ कर्तनों के द्वारा गुलाब, अंगूर की नवीन संतति को प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की हमारी दूसरी विधि है, उसका नाम है दाब लगाना। दाब लगाना जिसे हम स्वस्तरण भी कहते हैं, लेयरिंग भी कहते हैं। दाब लगाने की दो विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है पीला दाब विधि। पीला दाब विधि और दूसरी विधि है जिसे हम कहते हैं वायु दाब विधि। पीला दाब विधि दूसरी है वायु दाब विधि। दाब लगाना किसे कहते हैं? वह कृत्रिम कायिक जनन जिसमें मूल पादप से पादप के भाव को बिना अलग किए मूल पादप पर ही जड़ों के विकास को प्रेरित किया जाता है, उसे हम दाब लगाना कहते हैं। जैसे कि हमारा मूल पादप है, उस मूल पादप से न तो उसकी जड़ को अलग करेंगे और न ही उसकी शाखा को अलग करेंगे, मूल पादप की शाखा पर ही उसमें जड़ों के विकास को प्रेरित करते हैं। जिसमें हमारी दो विधियां हैं, पीला दाब विधि और वायु दाब विधि। पीला दाब विधि प्राय जो झाड़ी जैसे पादप होते हैं, झाड़ी जैसे पादप होते हैं, उनके लिए इस विधि का उपयोग करते हैं तथा वायु दाब विधि का उपयोग हम वृक्षीय पादपों के लिए उपयोग करते हैं। पीला दाब विधि में क्या होता है, जैसे कि हमारा पादप छोटा है, जैसे कि हमारा पादप छोटा है और ये हमारे पादप की शाखाएं हैं, तो जो जमीन के पास में जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को झुका करके जमीन में थोड़ा सा दबा देते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो लगभग 10-15 दिन पश्चात इसकी जो जमीन के अंदर पर्व संधि है, इन पर्व संधियों से जड़ों का विकास होगा। जब इन पर्व संधियों से जड़ों का विकास हो जाता है तो इस पादप भाव को इससे काट करके दूसरी जगह पर रोपित कर देते हैं। यह विधि है हमारी पीला दाब विधि। पीला दाब विधि में क्या करते हैं, जो हमारा शाखी पादप होता है, उस शाखी पादप की निचली शाखा होती है, जमीन के पास शाखा होती है, उसे जमीन की तरफ झुकाते हैं और उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी डालने के पश्चात उस शाखा का जो अंतिम भाग होता है वह जमीन से ऊपर होता है। 10-12 दिन के लिए इसको इस प्रकार से छोड़ देते हैं, तो जमीन के अंदर दबी हुई जो शाखा है उसकी पर्व संधि है, उन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ों का विकास होगा,
जड़ों का विकास होगा। जब जड़ें विकसित हो जाएंगी तो इस पादप को जो हमारा नवीन पादप डेवलप हुआ है जिसमें जड़ें विकसित हो गई हैं इसको मूल पादप से अलग कर देते हैं। इस प्रकार हम तीला दाह विधि का उपयोग करते हैं। तीला दाह विधि का उपयोग जैसे कि एक तो चमेली है, चमेली की संतति प्राप्त करने के लिए, और एक मोगरा है, मोगरा पादप की संतति प्राप्त करने के लिए हम तीला दाह विधि का उपयोग करते हैं। दाह लगाने की हमारी दूसरी विधि है उसका नाम है वायु दाह विधि। वायु दाह विधि का उपयोग प्राय हम वृक्षीय पादपों हेतु करते हैं। जो हमारे वृक्षीय पादप होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके लिए करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो हमारा पादप होता है, जो हमारा पादप होता है उस पादप की एक हम स्वस्थ शाखा लेते हैं और उस स्वस्थ शाखा पर जो छाल होती है उस छाल को हम हटा देते हैं। हटाने के पश्चात जो हटी हुई छाल है इस छाल पर मिट्टी युक्त कपड़ा लपेट देते हैं। हो सकता है उसके ऊपर पॉलिथीन भी लगा दें और इस संरचना को हम कहते हैं गुट्टी। जो छाल रहित पादप का पादप की जो शाखा थी उस पर हमने मिट्टी लगा दी और कपड़ा बांध दिया या पॉलिथीन बांध दी तो इस संरचना को हम कहते हैं गुट्टी। अब हमें यह देखना है कि जो हमारी गुट्टी बनी हुई है यह शुष्क नहीं हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी ऊपरी शाखा होती है ऊपरी शाखा पर हम एक मटकी बांध देते हैं, एक मटकी बांध देते हैं और मटकी बांध करके इस मटकी के निचले भाग पर एक छेद कर देते हैं और छेद करके इसमें धागा बांध देते हैं और इस धागे को इस शाखा से लपेट देते हैं और इस मटकी में भर देते हैं पानी। इस मटकी के अंदर से पानी छिद्र द्वारा धागे की सहायता से गुट्टी पर पहुंचता रहेगा जिसके द्वारा गुट्टी नम बनी रहेगी। गुट्टी नम बनी रहेगी तो लगभग 15-20 दिन के अंदर इस गुट्टी के अंदर ही जड़ों का विकास हो जाएगा। जब इसके अंदर जड़ों का विकास हो जाएगा तो इस पादप भाव को अलग करके दूसरी जगह पर रोपित कर देंगे। ये हमारी विधि है वायुदाह विधि। इस वायुदाह विधि का उपयोग प्राय वृक्षी पादपों हेतु करते हैं, जैसे हम आम के लिए भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी हमारी विधि है कृत्रिम कायिक जनन की, उसका नाम है रोपण। रोपण तीसरी विधि है हमारी रोपण। रोपण में हमें दो शब्द ध्यान रखने हैं। एक तो शब्द है बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कंधो, स्कंधो, और दूसरा है कलम। स्कंधो और कलम, स्कंध किसे कहते हैं पहले यह समझते हैं कि रोपण क्या है। कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि जिसमें दो पादप भागों के संयोग से एक नवीन संतति का विकास होता है उसे हम रोपण कहते हैं। रोपण किसे कहते हैं, रोपण का अर्थ होता है कि एक हमारा मूल पादप है उस मूल पादप पर वांछित गुण वाले दूसरे पादप की शाखा को रोपित करते हैं। इसमें हम दो शब्दों का ध्यान रखते हैं स्कंद और कलम। स्कंद क्या है, वह मूल पादप आधारी पादप
जिस पर कलम को, जिस पर कलम को रोपित किया जाता है उसे हम स्कंध कहते हैं। कलम किसे कहते हैं? वांछित लक्षणों युक्त, वांछित लक्षणों युक्त पादप भाव, पादप भाव जिसे स्कंध पर रोपित करते हैं उसे हम कलम कहते हैं। आखिरकार रोपण विधि का उपयोग हम क्यों करते हैं? यदि हमें आर्थिक रूप से आर्थिक महत्व के पादपों को उत्पन्न करना है, अल्प समय में उत्पन्न करना है, तो हम रोपण विधि का उपयोग करते हैं। रोपण जो विधि है इसको भी चार भागों में बांट दिया है, बांटा गया है। इसमें पहला है जिभारोपण। जिभारोपण में क्या होता है? इसमें स्कंध और कलम दोनों की मोटाई लगभग समान होती है। जैसे कि ये हमारा स्कंध है और स्कंध पर हम क्या करते हैं, स्कंध पर जैसे ये स्कंध है इस पर हम इस प्रकार से चीरा लगाते हैं, ऐसे चीरा लगा दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वांछित लक्षण युक्त दूसरा पादप लेंगे और उस पादप की शाखा को लेकर के उस शाखा को हम इस पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ करके फिर इसे हम धागे से अच्छी तरह बांध देंगे। बांधने के पश्चात क्या होगा, इनकी कोशिकाएं हैं, इनमें ऊतक विभाजन होगा, ऊतक विभाजन के द्वारा धीरे धीरे दोनों के ऊतक आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने से स्कंध पर कलम रोपित हो जाएगी। दूसरी हमारी विधि है उसका नाम है बीजारोपण। बीजारोपण में क्या होता है, इसमें जो हमारा स्कंध है, जैसे कि ये हमारा स्कंध है और स्कंध के अंदर हम वी आकार का चीरा लगाते हैं और उसी के अनुरूप हम कलम में भी उसके अपोजिट चीरा लगाते हैं, काट लेते हैं और इन दोनों को हम एक दूसरे में फिट कर देते हैं और फिट करके इनको हम क्या कर देते हैं, धागे से बांध देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमने चीरा लगाया वो जिभा आकार का है, जो हमने कलम और स्कंध को काटा है वह जिभा आकार में काटा है, जबकि इसमें वी आकार में काटा है, वी संरचना में काटा है, जबकि दोनों के स्कंध की मोटाई और कलम की मोटाई समान है। तीसरी हमारी विधि है उसका नाम है मुकुट रोपण। मुकुट रोपण, मुकुट रोपण में क्या होता है, इसमें स्कंध की मोटाई, जैसे ये स्कंध है, स्कंध की मोटाई कलम की तुलना में अधिक होती है और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा स्कंध है तो एक स्कंध पर कई कलमों को रोपित करते हैं। मुकुट रोपण में क्या होता है कि इसमें स्कंध की मोटाई कलम की तुलना में बहुत अधिक होती है और एक स्कंध पर कई कलमों को रोपित किया जाता है। अंतिम हमारी विधि है कलिकारोपण। कलिकारोपण विधि में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा स्कंध है,
ये हमारा स्कंद है और इस स्कंद में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, चीरा लगाएंगे। उस चीरा के अंदर हम कलिका को रोपित कर देंगे, कलिका को रोपित करेंगे यहां पर। इस प्रकार हम रोपण का अध्ययन करते हैं। रोपण की हमारी चार विधियां हैं, जिह्वा रोपण, बीजारोपण, मुकुट रोपण और कलिकारोपण। कृत्रिम काय विकरण के द्वारा हम आर्थिक महत्व के पादपों को उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा हम ऐसे उन्नत किस्मों को उत्पन्न करते हैं जिनका उत्पादन हमें कम समय में अधिक करना होता है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कलम है, हमारे जो कृत्रिम काय विकरण है, कृत्रिम काय विकरण को कौन कौन प्राप्त करता है? एक को वातावरण प्राप्त करता है, एक कलम और एक मूल पादप की आयु, ये कृत्रिम काय विकरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारे काय विकरण की विधि होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो आवर्तबीजी पादप हैं, उनमें लैंगिक जनन की घटना कहां पर संपन्न होती है। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की घटना पुष्प के अंदर संपन्न होती है। पुष्प के अंदर, पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसमें सहज अवस्था में पर्व व पर्व संधि, पर्व व पर्व संधि पाई जाती है तथा लैंगिक जनन की घटना संपन्न होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसमें संघनित अवस्था में पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है तथा लैंगिक जनन की घटना संपन्न होती है। पुष्प एक पादप की शाखा से जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम पुष्प क्रम अक्ष कहते हैं। पुष्प क्रम अक्ष क्या है? यह एक पादप की शाखा है, वह पादप की शाखा जिस पर पुष्प पाए जाते हैं उसे हम पुष्प क्रम अक्ष कहते हैं। पुष्प व्रंथ किसे कहते हैं? पुष्प एक डंठल नुमा संरचना द्वारा, डंठल नुमा संरचना द्वारा पुष्प क्रम अक्ष से जुड़ा रहता है जिसे हम पुष्प व्रंथ कहते हैं। पुष्पासन क्या है? पुष्प व्रंथ का शीर्ष भाग चौड़ा होता है, पुष्प व्रंथ का शीर्ष भाग चौड़ा होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं और पुष्पासन पर चार चक्र पाए जाते हैं। पुष्पासन पर चार चक्र पाए जाते हैं। यदि हम बातें करें एक प्रारूपिक पुष्प की, तो एक प्रारूपिक पुष्प के चार भाग होते हैं, चार चक्र होते हैं, जिसमें पहला चक्र है हमारा बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज के सदस्य को बाह्यदल कहते हैं।
बाह्य दल कहते हैं। बाइबल पुंज के सदस्य को बाइबल कहते हैं। बाइबल प्राय हरे रंग के होते हैं और इनका आकार पत्ती के समान होता है। पत्ती के समान होता है। बाइबल प्राय हरे रंग के होते हैं और इनका आकार पत्ती के समान होता है। इनका कार्य क्या है? जो हमारे बाइबल होते हैं ये नवीन पुष्पकलिका को, नवीन पुष्पकलिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। हालांकि देखिए, हम बाइबल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है चिरलग्न बाइबल। वे बाइबल जो हमारे फल के साथ जुड़े हुए रहते हैं, फल के साथ पाए जाते हैं, उन्हें हम चिरलग्न बाइबल कहते हैं। जैसे कि जो बैगन होता है, बैगन के अंदर जो बाइबल पाए जाते हैं वो चिरलग्न बाइबल होते हैं। हालांकि चिरलग्न बाइबल है, यहां शॉलिनेसी कुल की प्रमुख विशेषता है। पुष्प का दूसरा चक्र है, बाहर से दूसरा चक्र, उसे हम दल पुंज कहते हैं। दल पुंज, बाइबल पुंज व कुमन के बीच में पाए जाने वाले चक्र को दल पुंज कहते हैं। दल पुंज के सदस्य को दल कहते हैं और दल प्राय रंगीन होते हैं, रंगीन कलरफुल रंगीन होते हैं, विशिष्ट आकार के होते हैं, विशिष्ट आकार के होते हैं। अलग अलग पादप प्रजातियों के पुष्पों में दलों का आकार अलग अलग होता है और ये मकरंद युक्त होते हैं, मकरंदो युक्त होते हैं, क्योंकि इनसे विशिष्ट प्रकार की गंध आती है। इनका निचला भाग होता है, वहां पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। दलपुंज क्या करते हैं? इनका कार्य क्या है? ये परागण हेतु, परागण हेतु जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वह जंतु मानव हो या कोई कीट हो या सर्प हो या पक्षी हो या अन्य जंतुओं की प्रजातियां हो, तो उनको परागण हेतु क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यदि हमारा कोई पुष्प है, जैसे कि सरसों का पुष्प है, पीले रंग का होता है, तो उसके अंदर दल पीले रंग के होते हैं। गुलाब का पुष्प है, उसका गुलाबी रंग होता है, तो उसके दल गुलाबी रंग के होते हैं। तीसरा इसका चक्र है, उसे हम उमंग कहते हैं। उमंग, दलपुंज और जायांग के बीच पाए जाने वाले चक्र को उमंग कहते हैं। यह बाहर से तीसरा चक्र है और अंदर से दूसरा है। उमंग पुष्प का नर जननांग भाग है, पुष्प का नर जननांग भाग है। उमंग के सदस्य को हम पुंकेसर कहते हैं। उमंग के सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। पहला भाग है पुतंतु, दूसरा भाग है योजी और तीसरा भाग है परावकोष। पुतंतु क्या है? पुंकेसर का वह भाग जो पतला होता है, लंबा होता है, पतला होता है,
लंबा होता है, धागे के समान होता है, जनन असक्षम होता है, मतलब बंद होता है, तथा पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम उतंतु कहते हैं। यूजी क्या है? उतंतु और पराग कोष के बीच में पाई जाने वाली संयोजी ऊतकीय संरचना, संयोजी ऊतकीय संरचना जो बंध होती है, जनन असक्षम होती है, उसे हम योजी कहते हैं। पराग कोष पुंकेसर का शीर्ष भाग गुंडी नुमा होता है तथा जनन सक्षम होता है, जनन सक्षम होता है, इसके अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है, उसे हम पराग कोष कहते हैं। पराग कोष जो हमारे पुंकेसर है ना, तो पुंकेसर के तीन भाग हैं, पुतंतु, योजी और पराग कोष। इसमें पुतंतु और योजी तो दोनों जनन असक्षम होते हैं, और जबकि पराग कोष जनन सक्षम होता है, इसके अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। पुष्प का सबसे भीतरी चक्र जिसे हम जायांग कहते हैं, जायांग पुष्प का मादा जननांग भाग है, जायांग पुष्प का मादा जननांग भाग है। जायांग के सदस्य को अंडक या स्त्री केसर कहते हैं, अंडक भी कह सकते हैं और इसे स्त्री केसर भी कह सकते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग है वर्तिका, और तीसरा भाग है अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या है? स्त्री केसर का शीर्ष भाग, स्त्री केसर का शीर्ष भाग चौड़ा होता है, शीर्ष भाग चौड़ा होता है, जो पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र जनन असक्षम होता है। दूसरा भाग है वर्तिका, वर्तिकाग्र अंडाशय के बीच में नलिकामय संरचना पाई जाती है, जो पराग नली को रास्ता प्रदान करती है, इस संरचना को हम वर्तिका कहते हैं, स्थल कहते हैं। स्त्री केसर का तीसरा भाग है अंडाशय, स्त्री केसर का आधारीय भाग, स्त्री केसर का आधारीय भाग फूला हुआ होता है, जो निषेचन के पश्चात फल में विकसित हो जाता है, उसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में ही बीजों का विकास होता है। हम एक चर्चा और करते हैं कि हमारे पुष्प पूर्ण और अपूर्ण पुष्प होते हैं, पूर्ण पुष्प व अपूर्ण पुष्प, व अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प क्या होते हैं? वे पुष्प जिनमें पुष्प के तीनों भाग
बांडल पुंज, दल पुंज, उमंग व जायंग, पुष्प के चार भाग बांडल पुंज, दल पुंज, उमंग और जायंग पाए जाते हैं, उन्हें हम पूर्व पुष्प कहते हैं। जैसे कि सरसों, सरसों के अंदर बांडल पुंज भी होता है, दल पुंज भी होता है, उमंग भी होता है और जायंग भी होता है। अपूर्व पुष्प वे पुष्प जिनमें पुष्प के चारों चक्र में से किसी एक चक्र का अभाव होता है, हो सकता है उसके अंदर उमंग नहीं हो सकता है उसके अंदर जायंग नहीं हो सकता है उसके अंदर बांडल पुंज हो और दल पुंज नहीं हो, तो ऐसे पुष्पों को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कि लौकी, जो लौकी बालक है उसके पुष्प अपूर्ण होते हैं क्योंकि वे प्राय एक लिंगी होते हैं। एक बात और देख लेते हैं हम कि पुष्प के अंदर जो बांडल पुंज है और दल पुंज है ये दोनों जननिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। पुष्प के दो चक्र ऐसे हैं जो जननिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, एक तो है बांडल पुंज और दूसरा है दल पुंज, इसीलिए इन दोनों चक्रों को पुष्प के सहायक चक्र कहते हैं। पुष्प के सहायक चक्र कहते हैं तथा उमंग व जायंग, उमंग व जायंग दोनों चक्र ऐसे हैं जो जननिक घटनाओं में भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें आवश्यक चक्र या जनन चक्र भी कहते हैं। एक बात हम विशेष और ध्यान देंगे कि पुष्प के अंदर कभी कभी बांडल पुंज और दल पुंज दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके बांडल पुंज में और दल पुंज में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, तो इन्हें परिदल पुंज कहते हैं, परिदल पुंज कहते हैं। यदि बांडल में और दल में, बांडल में और दल में, बांडल पुंज में और दल पुंज में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, दोनों में एक जैसे रह जाते हैं, तो उन्हें हम परिदल पुंज कहते हैं। परिदल पुंज के सदस्य को परिदल कहते हैं। परिदल हमारे लिलियेसी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं। जो लिलियेसी कुल के सदस्य होते हैं उनमें परिदल पाए जाते हैं। अब हम ये चर्चा करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होती है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं। दूसरा एक वर्ड है हमारा स्कंद किसे कहते हैं। तीसरा है कलम किसे कहते हैं, रोपण किसे कहते हैं, कर्तन किसे कहते हैं, मुकुट रोपण की विशेषता क्या है, कृत्रिम कायिक जनन की विशेषता क्या है, जल द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, पत्ती द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, तने द्वारा कायिक जनन जैसे कि प्रकंद, कंद, घनकंद, सलकंद, ऊपर भूस्तारी, भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारिका, पर्णाविष्टम, पर्णा पर्व या पत्र तकलिका द्वारा जनन किसमें होता है। और इन तीन नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को समझाते हुए उसका नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से